पठान जैसी ब्लॉकबस्टर हुई है उसके बाद पब्लिक की जवान से उम्मीदें बढ़ गई है। शाहरुख खान की इस फिल्म को साउथ के सक्सेसफुल डायरेक्टर एटली बना रहे हैं। अचानक से IMDb पर फिल्म का प्लॉट लीक हो गया, फैंस पगला गए, बोल रहे हैं कि ये क्या बात हुई, यहाँ मेकर्स छुपा छुपा कर पूरी पिक्चर बना रहे हैं, ऐसे में फिल्म का प्लॉट लीक कर देने का क्या मतलब है। IMDb पर जो फिल्म की स्टोरी लाइन बताई गई है वो कुछ ऐसी है, एक आम आदमी को ऐसी गलती की सज़ा मिलती है जो उसने की ही नहीं, ये घटना उस व्यक्ति को कैसे प्रभावित करती है और वो इससे कैसे उबरता है, वो उन लोगों से कैसे निपटता है जिन्होंने उसे इस झमेले में फंसाया। ये फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन है जो बिल्कुल सिंपल लग रही है। लोगों का मानना है कि वाकई ये जवान की स्टोरी लाइन हो सकती है क्योंकि एटली की पिक्चरें बिल्कुल बुनियादी मसलों पर बेस्ड होती हैं, मगर उनमें इतना सारा मसाला और एक्शन डाल दिया जाता है कि दर्शकों को मजा आ जाता है, फिल्म में ब्लॉकबस्टर हो जाता है। और शाहरुख खान ने कॉन्टेंट ड्रिवन सिनेमा बनाने के लिए तो एटली के साथ फिल्म करना चुना नहीं था, वो खुद हिट फिल्मों का सूखा देख कर आए थे। जब उन्होंने पठान जैसी फिल्म कर ली तो जवान की इस कहानी पर भी फिल्म कर सकते हैं, बशर्ते वो टिकट खिड़की पर सफलता की गारंटी थी। अब थोड़ी सी बात जवान की। जवान एक एक्शन फिल्म है, इसमें शाहरुख खान के साथ नयनतारा, सानिया मल्होत्रा, प्रिया मणि, सुनील ग्रोवर और योगी बाबू जैसे एक्टर्स काम कर रहे हैं। फिल्म में दीपिका पादुकोण के भी एक छोटे से रोल में दिखाई देने की खबरें हैं। फिल्म के विलन का रोल कर रहे हैं विजय सेतुपति। इस फिल्म से विजय अपना बॉलीवुड डेब्यू करने जा रहे हैं। जवान में शाहरुख खान के डबल रोल में नजर आने की भी खबरें हैं। इन खबरों को इसलिए भी बल मिल रहा है क्योंकि उनकी अगली डायरेक्टेड फिल्म बिगिल में थलपति विजय ने भी डबल रोल प्ले किया था। उन्होंने फिल्म में बाप और बेटे का दोनों का रोल निभाया था। जवान में भी ऐसा ही कुछ होने की खबरें हैं। इस फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 से पुणे में शुरू हुई थी, उसके बाद से फिल्म की क्रू मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद जैसे शहरों में शूट कर रही है। इन दिनों शाहरुख खान जवान के साथ साथ राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी की शूटिंग में व्यस्त हैं। इसके अलावा वो अप्रैल में सलमान की टाइगर 3 के लिए अपना कैमियो शूट करेंगे। जवान 2 जून 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए शेड्यूल है। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई थी हमारे साथी श्वेता के, मैं हूं मेघना, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। शुरू हो गया है YouTube पर ललन टॉप का नया मेंबरशिप प्रोग्राम LT प्रीमियम। क्या होगा इसमें? LT प्रीमियम मेंबर्स किसी भी प्लेटफॉर्म से 3 दिन पहले देख सकते हैं गेस्ट इन द न्यूज रूम और किताब वाला जैसे कई शोज। ललन टॉप के हम सब एंकर्स हर हफ्ते आपसे करेंगे लाइव चैट, देंगे आपके सवालों के जवाब। ललन टॉप के न्यूज रूम में क्या होता है? अर्ली एक्सेस ब्लॉग में दिखेगी न्यूज रूम की रोचक जानकारी और उठापटक। ये मेंबरशिप लेने के बाद सिने सन्यासी समेत कई नए नवेले पॉडकास्ट भी आप सबसे पहले सुन पाएंगे। जो हमारे नए शोज प्रस्तावित हैं उस पर भी आपकी राय ली जाएगी, खास तौर पर क्योंकि आप हैं हमारे प्रीमियम व्यूअर। इसके अलावा मजेदार स्टिकर्स के साथ चैट कमेंट करके आप नजर आएंगे सबसे अलग। इन स्टिकर्स का इस्तेमाल आप YouTube के चैट और कमेंट सेक्शन में कर पाएंगे। इस मजे के लिए क्या करना होगा, इस जुड़ाव के लिए क्या करना होगा, जाना होगा ललन टॉप के YouTube चैनल पर और ज्वाइन बटन को प्रेस करना होगा, फिर सिर्फ 59 रुपए महीने में मिलेगा ललन टॉप आनंद। एप्पल यूजर नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर LT प्रीमियम सब्सक्राइब करें।